नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम 2400 प्लस संविदा स्टाफ नर्स सीबीटी परीक्षा केंद्र में बदलाव हो गया है। दिनांक 11/12/2021 का सीबीटी परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है। यूपी एनएचएम 5000 एनएम 2971 पोस्ट रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, वन बाय वन में सभी अपडेट क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा 2400 प्लस जो पोस्ट संविदा के कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के होने वाले थे उसके केंद्र में बदल दिया गया। कहां पर केंद्र बदला गया है और किस जिले का केंद्र बदला गया है, आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहने चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि कहाँ का रिजल्ट आ गया है यूपी एनएचएम एनएम का और किस जिले का सेंटर में बदलाव किया गया है। यह देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि कृपया विज्ञप्ति संख्या दिनांक 7/10 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 2400 प्लस संविदा स्टाफ नर्स रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी एवं दिनांक 4/12/2021 से 11/12/2021 को निर्धारित उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर किए जा चुके थे। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि स्टाफ नर्स के रिक्त पदों हेतु दिनांक 11/12/2021 को सीबीटी परीक्षा हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा अपरिहार्य कारणों से जनपद गोरखपुर जनपद का है दोस्तों, में परीक्षा केंद्र बीर अब्दुल हमीद ऑनलाइन केंद्र को परिवर्तित कर दिया गया है। अब कहां पर हो गया, KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैक केंद्र कर दिया गया है। अब दोस्तों, आप लोगों का बीर अब्दुल हमीद ऑनलाइन केंद्र जो था वहां से हटाकर डेट वही रहेगी आपकी, बस सेंटर आपका परिवर्तित कर दिया गया है KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। जो भी भाई बहने नहीं जानते थे उन लोगों तक यह खबर पहुंच जाएगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, UPNHM NM जो 2971 पोस्ट थे, बरेली जिले का रिजल्ट आ गया है। जो भी भाई बहने बरेली जिले से, वो लोग अपना रिजल्ट को देख लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, शेयर कर देंगे तो यह न्यूज़ सभी भाई बहनों तक पहुंच जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नहीं तो पता लगा वो लोग जो है वीर अब्दुल हमीद ऑनलाइन केंद्र पर जो है 11 तारीख को पहुंचे रहेंगे और उनका सेंटर यहां पर रहेगा, है गोरखपुर में ही है दोस्तों। दोनों सेंटर जो है जो परिवर्तित हुआ है, एक ही सेंटर परिवर्तित हुआ वीर अब्दुल हमीद से KIPM कॉलेज पर कर दिया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे अगले अपडेट कोई निकल कर आती, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।